और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद आखिरकार जमानत मिली है और इस पर सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आपको बताएं, दिल्ली शराब घोटाले मामले में 17 महीने से जेल के अंदर थे और अब जमानत मिली है, सशर्त जमानत मिली है। इस पर सुनीता केजरीवाल ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और ये कहा है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। जिस तरह से अब जमानत मिल गई उसको लेकर खुशी आम आदमी पार्टी के तमाम जो चेहरे हैं वो जाहिर करते नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर ये पोस्ट सुनीता केजरीवाल का भी सामने आया। जब से अरविंद केजरीवाल अंदर हैं, सुनीता केजरीवाल लगातार जिम्मेदारियां संभाल रही हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। और सीधे ग्राउंड जीरो से गायत्री हमारे साथ जुड़ी हुई, उनके पास जाना चाहेंगे। देखिए गायत्री, अब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। सुनीता केजरीवाल ने पोस्ट किया है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पर इससे गदगद महसूस कर रही है। पहले संजय सिंह और अब मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई है, लेकिन ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि भविष्य निकट में ये जो पूरा मामला है ट्रायल जो है वो चलेगा, इस पर किसी तरह की रोक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि मानवता के आधार पर ये जो बेल है उनका अधिकार बनता है और इसलिए उनको बेल दी जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ कहा गया कि ट्रायल निकट भविष्य में खत्म नहीं होगा, यानी केस से उनको बरी नहीं किया गया है। केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ बेल को लेकर याचिका थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और ये साफ तौर पर कहा कि ये अधिकार है उनका और काफी लंबे समय तक किसी को इस तरीके से जेल में नहीं रखा जा सकता। दूसरी बात देखिए, एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है कि ये जो पूरा जो बेल का ऑर्डर है वो पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में जो भी बेल की राशि है 10 लाख के बॉन्ड पर और दो श्योरिटी पर उनको ये जमानत दी गई है, तो वो जो फॉर्मेलिटी है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। उसके बाद जो बेल ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल जाएगा। अब तिहाड़ जेल को बेल ऑर्डर का इंतजार है और ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, तिहाड़ सूत्र ये बता रहे हैं कि बेल ऑर्डर के बाद क्योंकि जेल नंबर एक में बंद है मनीष सिसोदिया और गेट नंबर तीन से उनकी रिहाई हो सकती है। हालांकि सिक्योरिटी कंसर्न भी है, अगर सिक्योरिटी को लेकर कोई इशू होता तो किसी और गेट से भी उनकी रिहाई हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर अभी तिहाड़ जेल में बेल ऑर्डर का इंतजार हो रहा है और उसके बाद ही जो रिहाई की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक जाहिर तौर पर बड़ी राहत है और जैसा कि गायत्री कह रही है कि पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, हो सकता है शाम तक भी जेल के बाहर आ जाए मनीष सिसोदिया, इस पर नजर रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हम पर तिहाड़ सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से निकल सकते हैं। जेल में बेल ऑर्डर मिलने के बाद ही रिहाई होगी, यानी कि जो पूरा प्रोसेस है उसे फॉलो किए जाने के बाद जब बेल ऑर्डर की कॉपी पहुंचेगी जेल में, तिहाड़ जेल में, उसके बाद उनकी रिहाई संभव है और गेट नंबर 3 से बताया जा रहा है कि ये रिहाई हो सकती है। बड़ी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, सशर्त जमानत दे दी गई है मनीष सिसोदिया को, उनको पासपोर्ट जमा करना है, गवाहों को प्रभावित ना करने का आदेश दिया गया है, हर सोमवार को हाजिरी देनी है, 10 लाख का बेल बॉन्ड, 2 श्योरिटी जमा करनी होगी और उसके बाद ही ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये जेल पहुंचेगा ये बेल ऑर्डर, उसके बाद जो तिहाड़ जेल में कार्रवाई पूरी की जाएगी और उसके बाद निकलकर आएंगे मनीष सिसोदिया। तो 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। मनीष सिसोदिया के वकील ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की है, क्या कहा उन्होंने आइए सुनते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। हमारे साथ उनके वकील ऋषिकेश कुमार जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? ये एक बहुत बड़ा फैसला है। मनीष सिसोदिया जी पिछले 17 महीने से जिस तरीके से एक झूठे मुकदमे में अंदर किया रखा था उनको ईडी ने और सीबीआई ने, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि जेल जो है वो एक्सेप्शन है और बेल जो है वो रूल है और मनीष सिसोदिया जी का काफ़ी समय जो है वक्त जेल में बीत गया है और कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं लगता है कि उनको अब जेल में रखा जाए। और जो ये ईडी ने बात कही थी कि ट्रायल वो कंक्लूड कर लेंगे, वो सारी कोरी बातें हैं, वो भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि आने वाले समय में ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट की गई है। कोर्ट ने ये आप ये नहीं मानेंगे, कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ हम मानवता के आधार पर जमानत दे रहे हैं, हम मेरिट पर नहीं जा रहे हैं। कोर्ट ने ये भी कहा है कि मेरिट जो है ऑलरेडी जो है डिस्कस हो चुका है पिछले जो ऑर्डर पास हुए हैं, आज जो ग्राउंड दिया गया है आज सिर्फ आर्टिकल 21 और इवन मेरिट पे भी उन्होंने ये कहा है कि सेक्शन 45 की जो एप्लीकेशन है जो वो अप्लाई होता है पीएमएलए में वो आर्टिकल 21 से बड़ा नहीं है, जो लाइफ एंड लिबर्टी है, जीने का
का अधिकार, तो उसके उससे बड़ा नहीं है। और ऑलरेडी 17 महीने का जो है इनका जो जेल का जो अवधि है हो चुका है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनको बेल पर रिहा करने का आदेश। एक बड़ा आधार ये भी बना कि कोर्ट ने माना कि उनको स्पीडी ट्रायल का अधिकार नहीं मिला। उनको ये भी कहा गया है कि जो सुप्रीम जो ट्रायल कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में ये दलील रखी गई थी, यहाँ पे भी जो दलील रखी गई थी ईडी की कि मनीष सिसोदिया जी डिले कर रहे हैं ट्रायल को, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी ने जितने भी एप्लीकेशंस लगाए वो बिल्कुल जायज़ एप्लीकेशंस थे और मनीष सिसोदिया की तरफ से कोई भी ऐसा जो है मौका नहीं दिया गया जिससे कि ट्रायल जो है वो डिले होगा। तो ये और हमारे साथ हमारी सहयोगी सुजाता भी लगातार जुड़ी हुई हैं। सुजाता, वो दौर भी हमने देखा है कि जब गिरफ्तारी हुई थी और किस तरह से आधी रात तक ये सब कुछ चला था, लेकिन अभी आज बात आ गई है जमानत की। लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार, आप देखिए जो तमाम चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, जो भी पोस्ट आ रहे हैं, जो भी बात कही जा रही है, वो ऐसे कही जा रही है जैसे कि ये पूरा केस ही खारिज हो गया हो, केस ही खत्म हो गया हो। जैसे यहाँ बेल मिली है, इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश अभी से दिखाई दे रही है सुजाता? बिल्कुल, देखिए एक तरह से बहुत लंबे समय बाद एक राहत की खबर आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार संकट में घिरी हुई है, चाहे वो चुनावी नतीजे हों या फिर मुख्यमंत्री का गिरफ्तार होना हो। उससे पहले डिप्टी सीएम थे जब मनीष सिसोदिया, तभी वो अरेस्ट हो गए थे, तो एक के बाद एक समस्याएं उसे घिरती रही। तो आज थोड़ी खुशी मनाने का दिन जरूर है। राजनीति की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि आखिर इस केस में हुआ क्या। 530 दिनों के बाद जमानत मिली है, ये एक लंबा अंतराल है। और अगर हम राजनीति को परे रखकर देखें तो एक व्यक्ति के तौर पर किसी को भी इस तरह से अगर किसी पर भी कोई इल्ज़ाम है, फिर भी वो जेल से बाहर रह सकता है, वो निगरानी में रह सकता है और केस चल सकता है, यही नियम कहता है। और आज इसी को संगठन आईसिस के मोस्ट वांटेड आतंकी रिजवान की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। दिल्ली के गंगा बख्श मार्ग के पास रिजवान की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है और स्पेशल सेल के दफ्तर में अब लगातार आतंकी रिजवान से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि आतंकी रिजवान पर NIA ने 3 लाख का इनाम घोषित किया था। कई सालों से वो लगातार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे रहा था। NIA की टिप पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देर रात एक ट्रैप लगाया। जानकारी मिली कि गंगा बख्श मार्ग पर आतंकी रिजवान पहुंचने वाला है। स्पेशल सेल की टीम ने आतंकी रिजवान को गिरफ्तार किया, उसके पास से एक पिस्टल और 3 लाइव कार्टेजेस बरामद किए गए हैं। साथ ही आतंकी रिजवान के पास 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। हालांकि 15 अगस्त से पहले दिल्ली में मोस्ट वांटेड आतंकी रिजवान की गिरफ्तारी कई और इशारे कर रही है और यही कारण है कि तमाम सुरक्षा एजेंसी अब आतंकी रिजवान से पूछताछ कर रही है। मेरे पीछे आप ये स्पेशल सेल का दफ्तर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी दफ्तर में आतंकी रिजवान से जो पूछताछ है वो की जा रही है और स्पेशल सेल की टीम लगातार हर पहलुओं पर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। 15 अगस्त से पहले आतंकी की गिरफ्तारी दिल्ली में होना कई और इशारे कर रही है। साथ ही आतंकी रिजवान दरियागंज का रहने वाला है, लाल किले, जहाँ पे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा झंडा फहराएंगे, अपनी स्पीच भी वह वहाँ पर देते हैं और उससे पहले आतंकी की गिरफ्तारी होना कई। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद आखिरकार जमानत मिली है और इस पर सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर दी और कहा है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आपको बताएं दिल्ली शराब घोटाले मामले में 17 महीने से जेल के अंदर थे और अब जमानत मिली है, सशर्त जमानत मिली है। इस पर सुनीता केजरीवाल ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और ये कहा है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। जिस तरह से अब जमानत मिल गई उसको लेकर खुशी आम आदमी पार्टी के तमाम जो चेहरे हैं वो जाहिर करते नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर ये पोस्ट सुनीता केजरीवाल का भी सामने आया। जब से अरविंद केजरीवाल अंदर हैं, सुनीता केजरीवाल लगातार जिम्मेदारियां संभाल रही हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। और सीधे ग्राउंड जीरो से गायत्री हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। देखिए गायत्री, अब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। सुनीता केजरीवाल ने पोस्ट किया है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पर इससे गदगद महसूस कर रही है। पहले संजय सिंह और अब मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई है, लेकिन ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि भविष्य निकट में ये जो पूरा मामला है ट्रायल जो है वो चलेगा, इस पर किसी तरह की रोक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि मानवता के आधार पर ये जो बेल है उनका अधिकार बनता है और इसलिए उनको बेल दी जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ कहा गया कि ट्रायल निकट भविष्य में खत्म नहीं होगा, यानी केस से उनको बरी नहीं किया गया है। केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ बेल को लेकर याचिका थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और ये साफ तौर पर कहा कि ये अधिकार है उनका और काफी लंबे समय तक किसी को इस तरीके से जेल में नहीं रखा जा सकता। दूसरी बात देखिए, एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है।
कि ये जो पूरा जो बेल का ऑर्डर है वो पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में जो भी बेल की राशि है 10 लाख के बॉन्ड पर और दो शॉर्टी पर उनको ये जमानत दी गई है, तो वो जो फॉर्मेलिटी है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। उसके बाद जो बेल ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल जाएगा। अब तिहाड़ जेल को बेल ऑर्डर का इंतजार है और ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, तिहाड़ सूत्र ये बता रहे हैं कि बेल ऑर्डर के बाद क्योंकि जेल नंबर 1 में बंद है मनीष सिसोदिया और 3 गेट नंबर 3 से उनकी रिहाई हो सकती है। हालांकि सिक्योरिटी कंसर्न भी है, अगर सिक्योरिटी को लेकर कोई इशू होता है तो किसी और गेट से भी उनकी रिहाई हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर अभी तिहाड़ जेल में बेल ऑर्डर का इंतजार हो रहा है और उसके बाद ही जो रिहाई की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक जाहिर तौर पर बड़ी राहत है और जैसा कि गायत्री कह रही है कि पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, हो सकता है शाम तक भी जेल के बाहर आ जाए मनीष सिसोदिया। इस पर नजर रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हम पर तिहाड़ सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से निकल सकते हैं। जेल में बेल ऑर्डर मिलने के बाद ही रिहाई होगी, यानी कि जो पूरा प्रोसेस है उसे फॉलो किए जाने के बाद जब बेल ऑर्डर की कॉपी पहुंचेगी जेल में, तिहाड़ जेल में, उसके बाद उनकी रिहाई संभव है। और गेट नंबर 3 से बताया जा रहा है कि ये रिहाई हो सकती है। बड़ी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, सशर्त जमानत दे दी गई है मनीष सिसोदिया को, उनको पासपोर्ट जमा करना है, गवाहों को प्रभावित ना करने का आदेश दिया गया है, हर सोमवार को हाजिरी देनी है, 10 लाख का बेल बॉन्ड, 2 श्योरिटी जमा करनी होगी और उसके बाद ही ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये जेल पहुंचेगा ये बेल ऑर्डर, उसके बाद जो तिहाड़ जेल में कार्रवाई पूरी की जाएगी और उसके बाद निकलकर आएंगे मनीष सिसोदिया। तो 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे।